एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ये वीडियो ऑन बेसिक कैलकुलस। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम learnhub.com उर्फ examfew.com, जो कि एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे मैं तैयार कर रही हूं पिछले 10 सालों से। तो मेरी जर्नी के बारे में या मेरे विजन के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेडेक्स टॉक के लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो है मेरे उन सभी प्यारे बच्चों के लिए जिनके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं होता है, क्योंकि या तो वो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं या उन्होंने बायो ऑप्ट किया है। और जब ऐसे बच्चे फिजिक्स पढ़ने जाते हैं तो उन्हें हर कदम पे लगता है कि यार कभी इसे इंटीग्रेट करो, कभी इसे डिफरेंशिएट करो, मतलब दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, राइट? तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सारे बेसिक्स। इस पूरे वीडियो सीरीज को देखने के बाद आपको फिजिक्स पढ़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दैट्स अ प्रॉमिस, ठीक है? तो इसी के साथ शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्योंकि करते कैसे हैं, इसके रूल्स वगैरह ये सब हम बाद में देखते रहेंगे, बट पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि ये चीज़ क्या होती है। तो अगर आप डिफरेंशिएट टर्म को देखें, ये जो इंग्लिश टर्म है डिफरेंशिएट, इसका मतलब क्या होता है? तो जो डिफरेंशिएट टर्म है इसको हम नॉर्मली इस तरह से यूज करते हैं, राइट, कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब दोनों के बीच में जो फर्क है वो बताओ, राइट? तो मतलब डिफरेंशिएट मतलब जब दो चीजों को अलग अलग डिस्टिंक्टली पहचानना या डिस्टिंक्ट करना, अलग करना एक तरीके से। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या अलग करते हैं? बेसिकली एक बड़ा फंक्शन होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम मैथ्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैथ्स में जैसे कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो अगर एक बड़ा सा फंक्शन है जिसको हम तोड़ के छोटे फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली हम अलग कर रहे हैं, मतलब एक बड़े फंक्शन में से छोटे फंक्शन को अलग करके हम उसको छोटे फंक्शंस में ब्रेक कर रहे हैं, वो होता है डिफरेंशिएशन। जैसे कि ये जो स्क्रीन पे पिक्चर्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन समझा देगा। जैसे कि ये क्या है, ये जो एक टावर सा बना हुआ है ये हमने प्लेइंग कार्ड से बनाया है। आई थिंक हम सभी ने बचपन में कभी बनाया होगा या फिर अभी भी बनाते होंगे। तो ये जो हमने टावर पूरा बनाया है ये हमारा एक बड़ा फंक्शन है, जो कैसे बना है, जो बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शन से मिलके बना है। अब इसी को अगर हम तोड़ दें इनके छोटे फंक्शंस में, छोटे फंक्शंस क्या है, प्लेइंग कार्ड्स है, तो ये जो हमारा प्रोसेस है ठीक बिल्कुल ऐसा ही हमारा डिफरेंशिएशन का भी प्रोसेस है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, जो नीचे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पजल है, वो जो हम खेलते हैं, राइट, ये एक बहुत पॉपुलर पजल का गेम होता है जिसमें आपके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं और आपको इन सबको एक दूसरे के साथ फिट करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये और ये जो है बिल्कुल आपस में फिट हो जाएगा एक दूसरे में, और इनको अगर आप बिल्कुल सही सही से फिट कर देंगे तो आपकी एक सुंदर सी पिक्चर बन जाती है, राइट? तो अब ये जो पूरी जो पिक्चर बन रखी है ये आपका बिगर फंक्शन है, लेकिन इस बिगर फंक्शन को अगर आप चाहें तो आप इन छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ सकते हैं, यानी कि आप इसको स्मॉलर फंक्शंस में तोड़ सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया बहुत ही सीधा तरीका समझने का कि डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक उसी तरह आप कहेंगे कि भाई तो इंटीग्रेशन क्या है, तो आप खुद बताइए, इंटीग्रेशन ये वर्ड जो है ये इंटीग्रेट से आया है। इंटीग्रेट मतलब ज्वाइन करना, कंबाइन करना, यूनाइट करना, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेट। तो जब हम चीजों को जोड़ते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन में हम छोटे फंक्शंस को जोड़ के एक बड़ा फंक्शन बनाते हैं, मतलब बिल्कुल डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो यहाँ पे जो ये कार्ड्स हैं इन सारे कार्ड्स को जोड़ के हम एक टावर बनाएंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पजल के ब्लॉक्स को मिला के हम एक पूरा पिक्चर बनाएंगे, राइट? तो जब भी आप छोटे फंक्शंस को मिला के बड़ा फंक्शन बनाते हैं वो होता है इंटीग्रेशन। तो अब मेरे ख्याल से अब सिंपल शब्दों में समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है। तो अब नेक्स्ट सवाल है कि भाई यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये भी देख लेते हैं। तो अब मैथमेटिक्स में हम डील करते हैं फंक्शंस के साथ। लेट सपोज कि ये हमारा एक फंक्शन है x स्क्वायर, ये x का एक फंक्शन है,
ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है 2x। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भाई हमने कैसे डिफरेंशिएट किया, 2x कैसे आ गया। तो ये सब कुछ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे रूल्स में, बट अभी आप सिर्फ ये समझिए कि ये एक बड़ा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पर हमें ये फंक्शन मिलता है 2x। तो इसका ये मतलब है कि ये वाले छोटे फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वापस मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। मतलब अगर एक फंक्शन का डिफरेंशिएट करने पे हमें, मतलब कुछ यू, अगर हमारे पास एक फंक्शन 1 है, इसको डिफरेंशिएट करने पे अगर हमें एक दूसरा फंक्शन 2 मिलता है, इसका यही मतलब है कि अगर इस 2 फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। बट ये है क्या, जिस तरह से मैथमेटिक्स में हम बात करते हैं एडिशन की, एडिशन क्या है, एक ऑपरेशन है, राइट। एडिशन हम कब यूज करते जब हमें दो नंबर्स को जोड़ना होता है। सब्ट्रैक्शन क्या है, फिर से एक ऑपरेशन है। जब हमें एक नंबर को दूसरे नंबर से घटाना होता है तब हम सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। उसी तरीके से ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी एक तरह के ऑपरेशन है। तो अब जैसे हम एडिशन करते हैं तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, ऐसा एडिशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब्ट्रैक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई डिफरेंशिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ऑफ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएटेड डिवाइडेड बाई डी ऑफ वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू विच फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड। इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन हम जब भी करते हैं हम किसी फंक्शन का करते हैं और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे मान लीजिए इस केस में हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा फंक्शन है और इस फंक्शन को हम एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि वो वेरिएबल है एक्स, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, हम इसको डिनोट करेंगे डी एफ बाई डी एक्स, यानी कि हम ये फंक्शन f को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये हमें ये बताएगा कि ये जो फंक्शन f है ये x के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो ये हमें पता चलता है डिफरेंशिएशन से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की कि भाई इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए एक इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, वो सिंबल है ये, ठीक है। तो इस सिंबल से हम कैसे, जैसे अब हमारे पास मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, जैसे ये जो फंक्शन है मान लेते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स से। अब अगर हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स और ये भी किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। तो यानी कि अगर हम इंटीग्रेट करेंगे 2x को dx के रेस्पेक्ट में तो हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये कैसे आया ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, रूल्स में हम पढ़ने वाले हैं, बट ये समझने का यहाँ पे ये था कि इंटीग्रेशन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंशिएशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फिजिक्स में यूज क्या है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई मैथ्स में हम ये सब पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इंटीग्रेशन कैसे करना है। लेकिन अब अगर हमने मैथ्स लिया ही नहीं है 11th 12th में, बट स्टिल हम देखते हैं कि भाई फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी हमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम कुछ एक दो ऐसे सिनेरियोज की बात करेंगे जहाँ पे जो फिजिक्स के एरियाज हैं और उसमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो नॉर्मली हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट किस हिसाब से टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है उससे हम वेलोसिटी निकालते हैं। और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है उससे हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो अगर मान लेते हैं जैसे इस पिक्चर पे आप देख रहे हैं कि ये एक कार है जो मूव कर रही है, तो इस कार की कोई वेलोसिटी भी है, कार की एक एक्सेलरेशन भी है। अब अगर मान लेते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो कुछ यू है, मतलब वो कोई स्ट्रेट लाइन ना हो के बल्कि ऐसा ऐसा सा कुछ है, कुछ मतलब इररेगुलर सा पैटर्न है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा इररेगुलर पैटर्न है तो हम
स्पेसिफिकली कुछ कह नहीं सकते हैं कि भाई हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी, राइट? क्योंकि अगर आप इस ग्राफ को देखें, हर एक पॉइंट पर जो स्लोप है ग्राफ का वो अलग है। तो ऐसे केसेस में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो किस कोई भी एक रैंडम पॉइंट पी पे, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उस केस में हम डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं कि वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, मतलब डी एक्स बाई डी टी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे और वो हमारा हो जाएगा वेलोसिटी। तो डी एक्स बाई डी टी है डिफरेंशिएशन एक्स का डिस्प्लेसमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक तरीके से ये आपको ये भी बता रहा है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। ठीक इसी तरीके से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी हो इसी पॉइंट पी पे, तब आप कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन क्या होता है, ये वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो उस केस में हम निकालेंगे डी बाई डी टी ऑफ वी, डी वी बाई डी टी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, और इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो ये जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि हम x जो हमारा फंक्शन है उसको हम एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट? तो ये जो है ये हमारा हो जाता है सेकेंड डेरिवेटिव। तो अब ये हम कैसे निकालते हैं ये आपको ग्रेजुअली बताएंगे, और ग्रेजुअली हम कुछ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बट बेसिकली इस तरह के सिचुएशन में हमको डिफरेंशिएशन काम आता है। ठीक उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आपके पास एक इस तरह का सिनेरियो है कि ये जो लड़का है ये पहाड़ चढ़ रहा है। अब जो चढ़ाई का जो इसका जो रास्ता है ये मतलब कुछ यूनिफॉर्म नहीं है, उबर खाबर है, कहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है कहीं कम टाइम लग रहा है, ऐसा ही है, कहीं ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है कहीं पे कम फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, ऐसा है। तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्लोप जो है वो अलग अलग है। अब अगर हमको वर्क डन निकालना हो, तो चूंकि हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है तो वर्क डन भी जो है कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे ही है। बट अगर हमको ओवरऑल वर्क डन निकालना हो तो उसके लिए हम एक क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास मान लेते हैं कि एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है, और इस इतने से एलिमेंट को कवर करने के लिए कितना वर्क डन है, कुछ कम ही वर्क डन होगा। तो हम मान लेते हैं कि इतने से जगह को कवर करने के लिए जो वर्क डन है वो छोटा सा है, जो कि है डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट ये छोटी सी जगह हमारी डी एस ही है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन हमको निकालना है इस पूरे रूट का, पूरे पाथ का वर्क डन। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर हम इस छोटे से डी डब्ल्यू को इस पूरे पाथ के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा नेट वर्क डन आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। और इसको चाहे तो हम लिमिट्स भी डाल सकते हैं, अगर हमको वर्क डन निकालना है पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक के लिए, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ए से बी, तो हम चाहे तो लिमिट्स भी डाल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिजिक्स के इस तरह के सिचुएशन में कि भाई कहीं पे वर्क डन निकालना है तो हमको इंटीग्रेशन काम आता है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो फिजिक्स में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं रूल्स की, क्योंकि रूल्स के बिना तो हम डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे फंक्शंस को। तो हम फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के रूल्स की, और उसमें भी जो है हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पावर रूल की। तो नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पावर रूल। तो देखते हैं इसमें क्या है। जैसे अगर आपके पास कोई भी इस फॉर्म में फंक्शन हो, मतलब एक फंक्शन है टू द पावर n, मतलब कुछ भी टू द पावर है उस फंक्शन के, तो वो उस तरह के फंक्शन के लिए ये वाला रूल अप्लाई होता है। तो अगर हमको डिफरेंशिएट करना है u टू द पावर n को, तो हमारा डिफरेंशिएशन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n u टू द पावर n माइनस वन डी यू बाई डी एक्स। मतलब बेसिकली इसमें क्या हो जाता है कि जो पावर है, पावर की वैल्यू एक कम हो जाती है। अगर पावर पहले n था तो वो अब n माइनस वन हो जाएगा, और जो पावर की वैल्यू थी वो अब कोफिशियंट हो जाएगा, मतलब वो इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा पावर रूल है। इनफैक्ट अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और देखेंगे कि हम पावर रूल को यूज़ कैसे करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करना है वो है x टू द पावर 3, और इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है।
ठीक है, तो यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या है, 3, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1 और dx by dx. तो अगर हम x को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1. ऐसा क्यों, यहाँ पे हम अलग से करके दिखाते हैं. अगर हम x को x के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, x का क्या मतलब है, x टू द पावर 1. तो अगर इसमें भी पावर रूल लगाएंगे तो हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 1 x टू द पावर 0. एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. तो बेसिकली dx विथ रिस्पेक्ट टू dx इज 1. तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x square. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर हमको निकालना हो डिफरेंशिएशन 1/x का, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 1/x को हम लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 1. यानी कि अब इस केस में अगर हम पावर रूल अप्लाई करें तो n की वैल्यू है माइनस 1, तो हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1 और उसके बाद dx by dx. तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 x टू द पावर माइनस 2 और dx by dx इज इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा माइनस 1/x square. तो इस तरीके से हमको पावर रूल अप्लाई करना होता है. तो अब हम जाते हैं डिफरेंशिएशन के सेकंड रूल पे, जो कि है कांस्टेंट रूल. कांस्टेंट रूल क्या होता है, मतलब अगर हमको एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएट करना हो, तो कभी भी अगर हमें किसी भी कांस्टेंट वैल्यू, चाहे 5, 50, 1/10, 5.3, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करना हो, तो हमारा रिजल्ट हमेशा होता है 0. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टर्म को हम ऐसा सोच सकते हैं कि कांस्टेंट जो है वो बेसिकली क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर 0, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 तो हमेशा 1 होता है. तो जब भी आप कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर 0 करोगे और उसको आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे, तो उस केस में एक्स टू द पावर 0 का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 ही आएगा, राइट. तो इस वजह से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है. तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 5 निकालना हो, तो ऑब्वियसली ये 0 होगा. लेकिन अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 5 एक्स स्क्वायर निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, इस केस में जो है 5 हमारा बाहर चला जाएगा और हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे. ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास 2 टर्म है, ठीक है. तो ये वाला जो टर्म है, मतलब ये एक बहुत सिंपल ट्रिक है, बट अगर हम इसको प्रोसेस से देखें तो इसमें जो है ना वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. तो थोड़ी देर के बाद हम प्रोडक्ट रूल सीखेंगे. तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या होता है कि एक बार इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, दूसरा को एज इट इज छोड़ना है, और एक बार दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, पहले को एज इट इज छोड़ना है. तो उस प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हमारा जो है वो हिसाब ऐसे ही बैठता है. तो जब भी आपके पास एक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई एक वेरिएबल हो, तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो और उसके बाद बाकी टर्म को डिफरेंशिएट करो. तो इस केस में x टू द पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, तो 5 into 2x यानी कि 10x हमारा आंसर हो जाएगा. अब देखते हैं थर्ड रूल क्या है. थर्ड रूल होता है एक्सपोनेंशियल रूल. तो एक्सपोनेंशियल रूल काफ़ी सिंपल है. एक्सपोनेंशियल रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं ई टू द पावर एक्स का, तो इसका आंसर जो है वो ई टू द पावर एक्स ही रहता है. यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स हमेशा ई टू द पावर एक्स ही होता है. अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर वाई निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, तो ये भी e टू द पावर y ही रहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो y है, बट इसको हम किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में. तो हमको y को जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा e टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स. ठीक उसी तरह से अगर हमारा कुछ ऐसा हो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर t, तो ये हो जाएगा e टू द पावर t मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स. और अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे रूल की तरफ, जो कि हमारा लॉग वाला रूल है. तो जब भी हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, जैसे कि अगर हमें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो, तो ये हो जाएगा 1/x.
बहुत सिंपल, इसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि कई बार जो है ना हमारे पास इस तरह के फंक्शंस होते हैं ना जो कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें लॉग भी होता है और उसमें पावर भी होता है, उसमें कभी कभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होता है, तो आपको सबके साथ आपको ये सारे रूल्स को अप्लाई करके उसको सॉल्व करना होगा। तो इस केस में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब अच्छा, इस केस में एक और सिचुएशन है, जैसे अगर हमको d बाई डी एक्स ऑफ एल एन वाई निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे अगर हमें d बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये x की जगह x स्क्वायर है, तो ln एन एक्स जो है 1 बाई एक्स होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन इस x स्क्वायर का भी डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, तो ये x और ये x कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन के इन रूल्स को अप्लाई करते हैं एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये तो हो गए डिफरेंशिएशन के रूल्स। तो इंटीग्रेशन के रूल्स हम कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन के रूल्स को याद रखना बहुत सिंपल है। अगर आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स याद है उनको बस पलट दीजिए तो आपका इंटीग्रेशन का रूल्स बन जाएगा। सो इंटीग्रेशन के रूल्स देखने के लिए हम साथ साथ डिफरेंशिएशन के रूल्स भी लिखते रहेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए कि कैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के रूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सबसे पहला रूल जो हमने डिस्कस किया था वो था पावर रूल डिफरेंशिएशन के लिए, और वो क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि उसके बाद डी एक्स बाई डी एक्स करेंगे तो वो 1 आएगा, राइट। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का रूल था, लेकिन यही रूल जब हम इंटीग्रेशन में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो इस केस में आप सोच रहे होंगे कि ये एग्जैक्टली ऑपोजिट कैसे है, तो अगर इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर इसी चीज को हम दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दें, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन को अब अगर हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन का क्या मतलब है कि एक्स एन इज एक बड़ा फंक्शन है जिसको हम छोटे फंक्शन में तोड़ना चाहते हैं, बट अब हम अगर इसी को इंटीग्रेट कर दें मतलब हमको बड़े फंक्शन की जरूरत है, तो ये जो है इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। तो यानी कि इस केस में हम ये कह सकते हैं कि एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। तो बेसिकली अगर हमको x टू द पावर n माइनस 1 को इंटीग्रेट करना हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर की जो वैल्यू है वो 1 से बढ़ जा रही है, n माइनस 1 प्लस 1 कर देने से n आ जाएगी, और इस नए पावर से हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। तो उसी को थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखने के लिए हमने ऐसे लिखा है, क्योंकि कई बार ये ध्यान नहीं रहेगा ना कि जो पावर है वो n माइनस 1 है, तो अगर हम इसको n कर दें तो यहाँ पे मेरा जो पावर है वो n प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई भी n प्लस 1 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ये c क्या है, ये c जो है ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब सवाल ये है कि भाई हम यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों जोड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि जब भी हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट होता है जीरो। तो अब जब हम डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें पता नहीं कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी था कि नहीं, क्योंकि कांस्टेंट को जब अगर हमने इस चीज़ को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, राइट। बट जब हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तब तो हमें जीरो मिलेगा, तो बेसिकली कोई कांस्टेंट था या नहीं वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो इसीलिए हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इसके साथ जब भी हम कुछ इंटीग्रेट करते हैं हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस टर्म के साथ एक और कांस्टेंट था, भले ही वो हो सकता है वो कांस्टेंट का वैल्यू जीरो था, हो सकता है कांस्टेंट का वैल्यू 50 था या 500 था, बट एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम जरूर ऐड करते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आ गया राइट कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसीलिए कभी भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना मत भूलें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे जाते हैं, जो दूसरा रूल हमने पढ़ा था वो था कि d by dx of a constant is equal to zero। तो अगर इसी को हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में देखेंगे तो अगर आपको इंटीग्रेट करना हो
जीरो को, इसका एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और तीसरे रूल पे देखते हैं। तो जो तीसरा रूल हमने पढ़ा था वो था एक्सपोनेंशियल रूल, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो इस केस में अगर हम इसको एग्जैक्टली उलट देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक उसी तरीके से अगर हम लॉग रूल को देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू था 1 बाई एक्स। तो अगर हम इसको उलट दें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आप सोच रहे होंगे कि 1 बाई एक्स के इंटीग्रेशन के समय पर हमने इसको नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यों कहा, हम चाहते तो यहाँ पे भी हम ये पावर रूल अप्लाई कर सकते थे। एक बार करके देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम पावर रूल अप्लाई करने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी कि x टू द पावर जीरो डिवाइडेड बाय जीरो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, राइट। तो अब x टू द पावर जीरो बाय जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो जो है वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो अगर हम इस केस में, ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहां पे अगर हम पावर रूल अप्लाई करें तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x जो है वो 1 बाय x होता है, तो इसीलिए 1 बाय x का इंटीग्रेशन जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट यही होगा। तो इंटीग्रेशन के रूल्स जो है आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स पता है बस आप उसको उलट दीजिए। तो बच्चा बाटी कैसा लगा ये वीडियो, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस जिसके अंदर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस लेसन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समरी देखते हैं, ये आपको नीट की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा, इनफैक्ट आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, किसी भी तरह का फीडबैक हो, सजेशन हो, उसे आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना और अच्छे तरह से मन लगा के तैयारी करते रहिए। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।